दोस्तों, हर माते जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। और आप लोग ठीक होंगे, जो मैं ऐसी ठंड में बहुत ही ज्यादा कुछ भी करने का मन नहीं करता मेरा। फिर भी मतलब आज मैं भाजी बनाने जा रही हूँ, सेव पाव भाजी, क्योंकि बच्चे आज स्कूल जाएंगे तो बाबू जी भी काम पर जाएंगे, इसलिए मैं आज 7 बज रहे हैं, इस टाइम बज रहे हैं 7, इसलिए मैं काम करूंगी और ये सब्जी सेव भाजी बनाऊंगी। तो सेव भाजी क्या कहते हैं, पाव भाजी, पाव भाजी कितने टाइप थे, गाजर और क्या है ये गोभी, कद्दू, लौकी, आलू और मटर, सारी सब्जियों को मैं कट कर लूंगी और कुकर में चढ़ा दूंगी। जब तक बने रहना मेरे ब्लॉग में, दिखाती हूँ मैं आपको, कट कर लू। ओके, तो मैंने सारी सब्जियां काट ली है, क्योंकि बड़ी बड़ी इसलिए काटी थी मैंने क्योंकि कुकर में सभी गल जाती है, अड्डे भी गल जाते हैं उसमें, तो ऐसी बात नहीं है। तो सारी सब्जियां मैंने कट कर ली, अभी आलू और कट कर लूंगी, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो मैं कुकर में लगाने जा रही हूँ ये सब्जियों को। इसमें पानी नहीं डालूंगी मैं, इसमें पानी डालूंगी चूंकि क्या है ये कद्दू है ना, कद्दू में ऑलरेडी पानी होता है, इसलिए मैं पानी नहीं डालूंगी और बिगर पानी के ही इन्हें उबालूंगी। तो रख दूंगी मैं गैस पर। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, जब तक होती है ये तब तक बनाती हूँ मैं, मसाले का इंतजाम करती हूँ, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं टमाटर को मिक्सी जार में पीसने जा रही हूँ, क्योंकि टमाटर रहने दे बेटा कोई बात ना, टमाटर कोई चीज नहीं है मेरे पास, तो मैं इन्हीं का जो भी बनाऊंगी, जो घर में घरेलू इस्तेमाल करूंगी चीजों को, बस वही उन्हीं चीजों से बनाऊंगी मैं पाव भाजी। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। तो दोस्तों कुकर में सब्जियां पूरी हो चुकी हैं, अब मैं इन्हें उससे चिमचे से घोट लूंगी मैं सारी सब्जियों को। मेरा चमचा एक किसका काम करता है, गिलास का, सारी चीजों का काम करता है मेरा ये। बने रहना मेरे ब्लॉग में। और देख लो, देखो फ्रेंड्स, देखो मैंने ये ऐसी कर दी है इससे, जैसे कि गिलास से, लोटे से, और क्या इससे कुछ किसी से भी इसे दबा कर इसे मिक्सर कर सकते हैं, और खूब बढ़िया कर दी मैंने कुकर में ही। तो सब्जियां हो गई हैं मिक्स, बनकर तैयार। अब मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। जीरा ही और प्याज और लहसुन, इसी में छोड़ दूंगी मैं टमाटर को। अब डालेंगे हम सारे मसाले, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया और ये एक स्वाद अनुसार नमक। अब डाल दूंगी मैं मिर्च को, मिर्च ज्यादा नहीं डालूंगी मैं, थोड़ी डालूंगी क्योंकि हमारे घर में कम ही खाते हैं मिर्च को, क्योंकि बच्चे फिर खाएंगे नहीं और भाग जाएंगे कि मम्मी मिर्च है इसमें,
इसलिए। और आज का मौसम दिख रहा है आपको कैसा हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है, ठंड बहुत है बाहर, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, शायद आपको भी ठंड लग रही हो, आप तो रजाई में से निकले भी नहीं होंगे, लेकिन मैं आप रजाई से निकल गई हूँ। और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें फ्रूट कलर, तो इसलिए कलर आ जाए इसमें। मसाला और फैल गया है। देखो कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। पास लेके तो देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें, वैक्स कलर है। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, जब तक पकने देती हूँ उसको। लगाए मसाला कलर डाल के, फ्रूट कलर डाल के, तो इतना मस्त हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। फिर लगा अभी खा जाओ इस मसाले मसाले को, इतनी अच्छी लग रही है ये। जब तक मसाला पकता है तब तक बने रहना ब्लॉग में। तो मसाला हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी सारी सब्जियों को। देखना और भैया तो आ गया। इसमें डालेंगे हम पाव भाजी मसाला। स्वाद अनुसार डालेंगे सर। और इसी में डालूंगी आधी टिक्की मक्खन की, अमूल वाली। और इसी में छोड़ देंगे हम सारा धनिया। तो भाजी पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है, अब मैं बनाऊंगी इसे पाव। तो देखते रहना ब्लॉग में, बने रहना। इस पे डाल देंगे हम मक्खन की टिक्की या घी, आपके पास घी ना हो तो आप रिफाइंड में भी सेक सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मुझे दोनों तरफ सेकना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर थोड़ी जरा सी भी कच्ची रोगे रहेगी बंद तो खराब, पेट में दर्द भी होने लगेगा, इसलिए दोनों तरफ मुझे बहुत अच्छा लगता है सेकना।
बने रहना मेरे ब्लॉग में। अरे भाई चेक कर दे बस। गाली गाली तुम ही करो। लाली फोटो खींच लेना ना मेरे फ्रेंड। मेरे बच्चे खाने लगे क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है और इन्हें लग रही है बहुत अच्छी चीज क्योंकि भाजी खाना रहे खा लो मैंने तो वो भी चल दिए काम पर क्योंकि अब देखो मौसम कैसा हो रहा है। ये मेरी देसी अंदाज कैसा लगा आपको? तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना लाइक करना। और आज हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।